दमोह जिले में 1 जून से अनलॉक प्रक्रिया प्रारंभ करने के बजाय एक सप्ताह के लिए कोरोना कर्फ्यू बढ़ाए जाने का आपदा प्रबंधन समिति ने निर्णय लिया है, जिसके विरोध में व्यापारी वर्ग के अधिकांश संगठन खुलकर अब धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। इसी कड़ी में मोबाइल, सराफा, कपड़ा, किराना सहित विभिन्न व्यापारी संगठनों से जुड़े पदाधिकारियों ने आज विधायक अजय टंडन के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर एस के चैतन्य से मुलाकात की तथा उन्हें व्यापारियों की समस्याओं से अवगत कराते हुए कहा कि दमोह जिले में जिस तरह से कोरोना के केसों में कमी आई है और जो हालात हैं उनको ध्यान में रखकर 1 तारीख से ही अनलॉक की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। भले ही कुछ घंटों की दुकानें खोलने के लिए छूट दी जाए तथा भीड़ न बढ़े, इसके लिए 1 नंबर 2 नंबर वाला सिस्टम या आधी दुकानें सुबह और आधी दुकानें शाम को खोले जाने जैसी परमिशन दी जाए। लेकिन 1 जून से अनलॉक प्रक्रिया अवश्य प्रारंभ की जाए, क्योंकि अधिकांश दुकानदारों का शादी विवाह का और गर्मी का सीजन निकल चुका है। व्यापारी वर्ग कर्ज लेकर अपना कारोबार चलते हैं, उनको अपनी उधारी भी चुकाना है। इन सब हालातों को लेकर अजय टंडन ने जो बात की और उसके बाद मीडिया से चर्चा की, आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। अब दुकान बंद है, वो पैसा देने कहाँ जाए? किसान पैसा देना चाह रहा है। किसान का मतलब ये है कि आम आदमी पैसा देना चाह रहा, आप कहाँ दिया है? सराफा के या जहाँ से उसका लेन देन है, अगर उसकी घर जाता है तो वह कहता है कि वही खाता था दुकान में रखा है, दुकान हम खोल नहीं पा रहे। तो यानी एक पूरा सिस्टम गड़बड़ा गया। आज बात हो गई, इतना बड़ा शादी विवाह का सीजन निकल गया कि अपने जो रेडीमेड शॉप वाले थे उन्होंने माल अपनी दुकानों पर ला कर भर लिया, कुछ माल क्रेडिट पर मिल गया कि आप बेच लेना फिर पैसे देना। अब शादी का सीजन निकल गया, एक प्रकार से एक पूरा गर्मी का सीजन निकल गया, तो गर्मी का माल तो हमारा बिक ही नहीं पाया। शादियों में जो हमें सामान बेचना था, ड्रेसेस हैं, अपने अच्छी तड़क भड़क वाली कपड़े हैं जो कि शादियों में आजकल जिसको अपन पार्टी भी कहती है, वो तो सारी की सारी रखी रह गई। अब लॉकडाउन जब खुलेगा तो आपके लॉकडाउन लगाना भी एक मजबूरी है। लॉकडाउन जब खुलेगा जब तक सीजन दूसरा आ जाएगा, इस सामान को रखने की जगह नहीं है, सामान का तो हम पैसा चुका नहीं पाए, अब दूसरा रेडीमेड वस्त्र आएगा। कहने का मतलब यह है कि ऐसी बहुत सी किराना व्यापारी हो, मोबाइल शॉप हो, और हमें मोबाइल चार्ज कराना है, हमारा मोबाइल बिगड़ गया है तो भी सुधर नहीं पा रहा है। कहने का मतलब ये है कि सभी व्यापारी, यानी व्यापारी मतलब जितना भी वो है, सभी लोग आज यहाँ आए थे, उनके किसान भी फसल अपने नहीं बीज पा रहा, यानी सभी लोग यहाँ ये रिक्वेस्ट करने आए, अपनी बात को रखने आए, अपने पक्ष को रखने आए। जी साहब, क्या आश्वासन मिला है? जी क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन ये है कि जब तक मरीजों की संख्या कम ना हो, प्रशासन अपनी जगह सही है।